लोकसभा चुनाव का प्रचार दिलचस्प रूप ले रहा है। सोशल मीडिया से लेकर चुनावी रैलियों में क्या नेता, क्या कार्यकर्ता और क्या सोशल मीडिया, हर कोई फिल्मी रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। दिल्ली के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सीधा फिल्मी पंच मारते हुए कहा है, केजरीवाल तू तो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या करने पर उतारू हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, कि अब फिल्मी डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो इतनी कमजोरियां इनकी दिखाई दे गई हैं, इनके अच्छे काम भी दिखाई दे गए हैं, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता को रिझाने के लिए डायलॉग बाजी शुरू कर चुके हैं। अब ये डायलॉग बाजी इनकी कितनी चलती है तो 11 फरवरी को सबको पता चल जाएगा। वहीं आगे आपको बता दें है कि बुधवार को चांदनी चौक लोकसभा सीट के तहत आने वाले त्रिनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तिलक राम गुप्ता के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान हर्षवर्धन ने ये डायलॉग मारा था। यहाँ हर्षवर्धन ने दावा किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए आप, यहाँ जो पिछले विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें जीत पाई है, वो यहाँ इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करेगी। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता अपना होश खो बैठे हैं और कुछ ना कुछ बेतुके बयान यूं ही देते हुए नजर आ रहे हैं। इनका न कोई सर है ना पैर, बस बेतुका बयान देना है जिससे जनता कोई कैसे भी ना कैसे करके प्रभावित कर सके। अब केजरीवाल पर निशाना साधा है इन्होंने। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, दिल्ली की जनता #, आप सरकार को पिछले 5 साल में 2017 के नगर निगम और 2019 के लोकसभा चुनाव में नकारने के बाद अब तीसरी बार उसे हराने का मन बना चुकी है। बिना फिल्मों के दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रचार नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का दंगल फिल्मों के सीन पर आधारित है। दोनों ही पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्मों के डायलॉग या फिल्मों के सीन के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधते हुए देखे जाते हैं। SPN9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।